બંગાળી સમાજ દ્વારા આ વખતે પણ અમદાવાદના મણિનગરમાં દુર્ગા પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અમદાવાદમાં બંગાળી સમાજ મોટી સંખ્યામાં રહે છે। બંગાળી સમાજ બંગાળી પરંપરા અનુસાર મૂર્તિ સ્થાપન અને પૂજા કરે છે। આ વખતે ખાસ કરીને કોરોના કાળને ધ્યાનમાં રાખીને પૂજા કરવામાં આવી હતી। અમદાવાદ બંગાળી સંસ્કૃતિની અનુભૂતિ આપતી આ ઝાંખીએ પોતાની આગવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરી છે। માતાને બંગાળી વિધિઓથી વિદાય આપવામાં આવશે। બંગાળી સમાજના ભાઈઓ અને બહેનોએ હરખભેર ભાગ લીધો હતો। मेरा नाम मोनालिसा है और हम लोग अभी मणिनगर एरिया में दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। हम लोग पंचमी के दिन माँ दुर्गा पंचमी से माँ दुर्गा का सेलिब्रेशन शुरू होता है से दशहरा तक, और पंचमी के दिन माँ दुर्गा अपने मतलब अपने माँ बाप के घर आती हैं ससुराल से, तो उनको सेलिब्रेट करते हैं 5 दिन के लिए, और दशहरा के दिन वापस अपने ससुराल चली जाती है। तो दशहरा के दिन हम लोग सब माँ दुर्गा को सेलिब्रेट मतलब विदा करते हैं, तो उसे अपने सब सिंदूर खेला खेलते हैं, और सिंदूर खेला के माध्यम से सब पहले माँ को बॉर्न करते हैं, स्वीट खिलाते हैं, पान से माँ को श्रृंगार करते हैं, और उसके बाद हम लोग सब जो भी मैरिड महिलाएं हैं सब एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं, और खुशी खुशी हम लोग माँ को विदा करते हैं। सिंदूर खेला हम लोग बहुत मतलब एक दूसरे को सिंदूर गाल पे लगा के और सबको इस तरह से खेला जाता है, और गाल पे सबको सिंदूर लगा के खेला जाता है। और हम यही प्रार्थना करेंगे इस साल के वहाँ ये कोरोना का जो संकट है उसको टाल दे और सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और सुखी रहे। हम यहाँ पे जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं, श्री दुर्गा पूजा कर रहे हैं, ये हम ऑन बिहाफ ऑफ दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट जो संस्था है उसके बिहाफ में हम लोग ये कर रहे हैं। ये पूजा मणिनगर एरिया में आप देखेंगे तो 1971 से चल रहा है, पहले एलजी ग्राउंड में होता था, अलग अलग स्थान होते हुए इस साल हम 51 साल की पूजा करते हैं। बट इस तरह जिस तरह से जो गवर्नमेंट का नॉर्म है जो चल रहा है, पैंडेमिक जो चल रहा है, इस हिसाब से हमको बहुत छोटे पाए पे इस बार पूजा करना पड़ा है। इसलिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी ऐसे अच्छी, आप मूर्ति भी देखेंगे तो इस बार आप देखिए 4.5 फुट के आसपास मूर्ति करें, हम बड़ा मूर्ति नहीं कर पाए। कोई हमारे जो हर बार शाम को हम लोग जो हमारे बंगाल के जो अलग अलग आर्टिस्ट को बुलाते थे शाम को इवनिंग कल्चरल इवेंट करते थे, वो भी नहीं कर पाए। और माँ को ये आह्वान करते हैं कि इस बार जो इस तरह से हमने पूजा किया है अगले अच्छी तरह कर सके, और ये पूजा खत्म होते ये थर्ड लहर ना आए बिल्कुल, और इसका एक निरावरण आ जाता है कि रास्ता निकले कि सबको शांति मिले। पंचमी के दिन में माँ अपने चारों बच्चों को लेकर मायके आती, जब मायके आती है हम ढाकी से उनको स्वागत करते हैं, और 5 दिन तक उनके जोरों शोरों से पूजा होती है, और सिंदूर खेला 10वें दिन में होता है। उस दिन हम यही कहते हैं माता से कि इतनी बड़ी जो आफत हम पर अभी आई है कोरोना को लेकर, ये जल्द से जल्द जाए, और दुनिया से ये जो सबसे बड़ा जो संकट है ये ख़त्म हो जाए, और जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो और अच्छा बेहतर हो, ताकि हर कोई इंसान जो है वो पहले जैसा ज़िंदगी गुजार सके।